हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया फ्रांस रिलेशंस। सबसे पहले इंडिया फ्रांस रिलेशंस में अपन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए, फ्रांस ने इंडिया में भी रूल करा है, और इंडिया के किन पार्ट्स में रूल करा है? सदर्न पार्ट्स में रूल करा है, मेनली पॉन्डिचेरी में रूल करा है। तो अपन देखें, 17th सेंचुरी में फ्रांस इंडिया में सबसे पहले आए थे। तो एक फ्रेंच का एक फिजिशियन था जो कि औरंगजेब के समय में उनके लिए काम करता था, और लगभग 10 सालों के लिए काम करा था। तो काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन माने जाते थे फ्रेंच और मुगल के ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि दोनों के कॉमन एनिमी थे वो कि ब्रिटिशर्स थे। इसके बाद बात करते हैं 18th सेंचुरी में भी फ्रेंच ने काफी ज्यादा अपना पावर प्ले करा है इंडियन ओशन में। मींस काफी ज्यादा नेवल प्रैक्टिसेस होती थी उस समय भी, काफी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने इंडियन ओशंस में। इसके बाद देखें, फ्रेंच ने काफी ज्यादा बैटल्स भी इंडिया की धरती पर लड़े हैं, जैसे 1746 में बैटल ऑफ मद्रास लड़ा था, फिर बैटल ऑफ अर्कोट लड़ा था 1751 में। जब बैटल ऑफ अर्कोट लड़ा था तो फ्रेंच ना चाहते हुए काफी ज्यादा इंडिया की लैंड हार गए थे। इसके बाद और भी काफी ज्यादा वॉर्स करी उन्होंने, काफी इंडिया की लैंड्स को कैप्चर करा। इसके बाद अगर अपन बात करें, कुछ ऐसी ट्रीटीज भी साइन हुई इंडिया में मुगल्स और फ्रेंच के द्वारा लैंड्स के बेसिस पे। इसके अलावा 1782 में लुईस 16 ये फ्रांस के मोनार्क थे, मींस फ्रांस के राजा थे उस समय। उन्होंने क्या करा, एक अलायंस फॉर्म करा उस समय के इंडिया में जो मराठा के जो रूलर थे पेशवा माधवराव नारायण, उनके साथ एक अलायंस फॉर्म करा। और वो अलायंस क्यों फॉर्म करा था? ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। फ्रांस का जो कॉलोनियल का ये रूल था ये डायरेक्टली मॉरिशस भी कनेक्टेड था, मींस फ्रांस बहुत सारे लेबर्स को मॉरिशस भी ले जाता था, जो आज का मॉरिशस कहलाता है। अब देखते हैं सिख फ्रेंच रिलेशंस। काफी ज्यादा सिखों के फ्रेंच के साथ काफी अच्छे रिलेशंस माने जाते थे। बात अगर करें महाराजा रणजीत सिंह की, तो उनकी आर्मी में भी लगभग 2000 फ्रेंच के सोल्जर्स उनके लिए काम करते थे। 3 बार फ्रेंच के इन्हीं सोल्जर्स में से 3 जनरल्स को बनाया गया है महाराजा रणजीत सिंह की सेना से। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया का क्या योगदान रहा वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर टू में। सो मेनली देखा जाए तो मैक्सिमम इंडिया को कौन कैप्चर करा हुआ था? ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज करे हुए थे। इस वजह से मैक्सिमम जो इंडियंस थे वो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स की साइड से लड़े थे। अब वैसे देखा जाए क्लियरली कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो एक तरफ क्या थी, अलाइड पावर्स थी, और दूसरे तरफ हमारे क्या थे, दूसरी फ्रेंच, इंग्लैंड जिसे अपन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये सब कंट्रीज थी। सो इंडिया ब्रिटिशर्स की साइड से भी काफी ज्यादा लड़ा, प्लस फ्रेंच की साइड से भी काफी ज्यादा लड़ा, मींस फ्रांस की साइड से भी काफी ज्यादा लड़ा था। काफी ज्यादा इंडियंस ने बलिदान दिया। लगभग एस्टिमेशन ये कहता है कि वर्ल्ड वॉर वन में सबसे ज्यादा इंडियंस खत्म हुए थे, सबसे ज्यादा इंडियंस शहीद हुए थे, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियंस और कैनेडियंस हुए थे। अब ऑस्ट्रेलियंस और कैनेडियंस में भी उस समय कोई अंग्रेज लोग नहीं रहते थे, वहां के जो इंडिजीनियस लोग होते थे वो रहते थे, उनको बाय फोर्स इस वॉर में धकेला गया था, जैसे इंडियंस को धकेला गया था। इसके बाद बात करते हैं और भी काफी ज्यादा वॉर्स हुए जिसमें इंडियंस ने ना चाहते हुए भी फ्रेंच की साइड से लड़ा था। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस। So, अगर अपन देखें डेवलपमेंट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस में, तो काफी अच्छे रिलेशंस माने जाते हैं हमारे फ्रांस के साथ, और काफी ज्यादा पॉजिटिव रिलेशंस है। जो बायलेटरल रिलेशनशिप का जो पहला विजिट था, इसका जो माइलस्टोन माना जाता है, ये 1998 से माना जाता है। मींस इसके पहले तक तो हमारे लगभग मींस नॉर्मल रिलेशंस चल रहे थे फ्रांस के साथ, बट जो एक बूस्ट आया वो 1998 में आया, जब पहला एग्रीमेंट साइन हुआ बायलेटरल रिलेशनशिप को लेकर। फिर काफी बार दोनों कंट्रीज के हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये भी काफी बार एक दूसरे के देशों को गए विजिट करने के लिए। इवन 2009 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को स्पेशली इन्वाइट करा गया था एज अ चीफ गेस्ट फ्रांस में, जब उनका नेशनल डे था। जैसे अपने इंडिया में रिपब्लिक डे होता है, तो हर साल रिपब्लिक डे पे क्या होती है, एक परेड निकाली जाती है, फिर किसी ना किसी कंट्री से एक चीफ गेस्ट, एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे किसी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को, मींस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है। उसी प्रकार से फ्रांस का भी एक नेशनल डे होता है, जहां पर किसी ना किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है। तो 2009 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, ये एक नॉर्मल था, बट जो इसमें यूनिक बात थी वो ये थी कि फर्स्ट टाइम फ्रांस के नेशनल डे पे जो परेड होती है, उस परेड में इंडिया के सोल्जर्स ने परफॉर्म करा था। लगभग 400 इंडिया के सोल्जर्स ने उस परेड में हिस्सा लिया था। इसके बाद बात करें 2015 से ये रिलेशंस और ज्यादा अच्छे होने चालू हुए, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर बात करें 2016 में भी एक विजिट करा था फ्रांस के प्रेसिडेंट ने,
तो उस समय काफी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, काफी सारी ऐसी फील्ड्स थी जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी हुई, एजुकेशन हुई, तो इन सब चीजों पे भी काफी गौर हुआ था। अगला अगर अपन बात करें मिलिट्री रिलेशंस की, सो मिलिट्री रिलेशंस इंडिया और फ्रांस के काफी हिस्टोरिकल माना जाते हैं। खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि फ्रांस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है मिलिट्री के मामले में। काफी बार ये साथ में ऐसी मिसाइल्स को, ऐसे एयरक्राफ्ट को भी बिल्ड करते हैं, काफी ऐसे कॉपरेशन इन्होंने बना के रखे हैं, काफी ऐसी डील्स साइन हो चुकी है कि आगे चल के क्या क्या डिलीवर फ्रांस करने वाला इंडिया को डिफेंस के मामले में। राफेल की बात करें, काफी चर्चा में रहा है राफेल, ये भी फ्रांस से ही इंडिया में डिलीवर हुआ है, ये फ्रांस की कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। इसके बाद बात करें फ्रांस और इंडिया के काफी ज्यादा जो आइडियोलॉजीज है वो सिमिलर है, टेररिज्म को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड से रिलेटेड। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, मींस अभी तक क्या चल रहा है, यूएसए की हेजेमनी चलती आ रही थी वर्ल्ड में, बट इंडिया क्या चाहता है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें सब इक्वल हो, मींस एक बंदा किसी बाकियों पे सब पे अपनी ना चलाए, सबको इक्वल होना जरूरी। तो फ्रांस ने हमेशा इस इनिशिएटिव पे इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करा। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की। सो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इंडिया और फ्रांस का ट्रेड लगभग 12 बिलियन यूरोस है, और ये आंकड़े कब के हैं, ये आंकड़े लगभग 2012 के हैं। ये माना जा रहा है कि काफी ज्यादा बढ़ना है, मींस इसे बढ़ाना है बहुत ज्यादा, बट इतना बढ़ नहीं पा रहा जितना एक्सपेक्ट करा जा रहा था दोनों के हेड्स के द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है किसी कंट्री से रिलेशंस के लिए। तो इसमें देखा जाए तो इंडिया के लिए फ्रांस 8th से 9th नंबर पर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में, मींस जो फ्रांस है इतना इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में। अगर इंडिया की साइड से देखा जाए तो इंडिया भी 11th से 12th नंबर पर आता है फ्रांस में इन्वेस्टमेंट के मामले में। काफी ऐसी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है फ्रांस में, जैसे कंसल्टेंसी की जो कंपनीज होती है, इन्फोसिस है, विप्रो है, फिर वाइन में अगर अपन देखें तो किंगफिशर है, टाटा इलेक्ट्रो स्टील, प्लास्टिक्स के लिए सिंटेक्स, ऐसी काफी ज्यादा कंपनीज है जो फ्रांस में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ फ्रांस की भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा बात करें और कहां कहां पर इस साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एविएशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एविएशन क्यों, क्योंकि अपना जो एयर इंडिया है और अपने बाकी जो इंडिगो है, ये सब अपनी जो एयरलाइंस है, इसके जो मेनली जो एयरक्राफ्ट बनते हैं ये फ्रांस की कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं। इस वजह से जो कॉपरेशन है इंडिया और फ्रांस के बीच काफी बढ़िया है। इसके अलावा अपन अगर देखें स्पेस के मामले में, स्पेस के मामले में हमेशा इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और CNES ये क्या है, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी, इन्होंने हमेशा कॉपरेट करा कि कैसे हम साथ में मिलकर मिसाइल्स को बिल्डअप कर सकते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट बना सकते हैं जिनको आसानी से लॉन्च करा जा सके, एक दूसरे की हेल्प भी लेते हैं। साथ में जो नेवल बेसिस है एक दूसरे के, नेवल बेसिस क्या होता है, जहां पर नेवीज के अपने शिप्स को रखा जाता है, तो वहां पर एक दूसरे के नेवल बेसिस को भी यूज करने के लिए दोनों के नेवीज को छूट मिली है। इतने अच्छे कॉपरेशन, इतने अच्छे रिलेशन इनके माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है, ज्वाइंट एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस भी होती है। ज्वाइंट मिलिट्री की अगर बात करें और ज्वाइंट नेवल की बात करें तो ज्वाइंट मिलिट्री को बोलते हैं शक्ति, जो नाम दिया गया इनकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को उनको नाम दिया गया शक्ति। वहीं अगर देखें इनकी ज्वाइंट जो एयरफोर्स की प्रैक्टिस होती है उसे बोला गया गरुड़ा, गरुड़ा ये नाम आपने सुना होगा। और अगर देखें इनकी जो ज्वाइंट नेवल प्रैक्टिसेस होती है उसे बोलते हैं वरुणा, ठीक है ना, वरुणा बोलते हैं इसे। फिर देखें काफी ज्यादा हेल्थ केयर में भी कॉपरेट कर रहा है, क्या है, फ्रांस बहुत ज्यादा इंडिया की हेल्प कर रहा है कैसे आप अपनी टेक्नोलॉजीज बढ़ा सकते हैं हेल्थ केयर सेंटर में। इसके अलावा बात करते हैं एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो काफी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, काफी ऐसे MOUs साइन हुए जिससे इंडिया और फ्रांस साथ में मिलकर एजुकेशन के फील्ड में कॉपरेट कर सकते हैं। फ्रांस क्या है, काफी ईगर है, वो काफी चाहता है कि इंडिया के स्टूडेंट्स फ्रांस में आए हायर एजुकेशन को पाने के लिए। फ्रांस वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट रिनाउंड कंट्री माना जाता है जहां पर हायर एजुकेशन लोग प्रेफर करते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की एजुकेशन काफी अच्छी है, साथ में काफी सस्ती है, बहुत चीप है यहाँ की एजुकेशन। तो फ्रांस चाहता है कि इंडिया से ज्यादा स्टूडेंट्स आए यहाँ पर एजुकेशन पाने के लिए। इसके अलावा फ्रांस ने ऐसी फैसिलिटीज बनाई है जिससे इंडिया के स्टूडेंट्स को काफी आसानी से यहाँ पर 5 ईयर का वीजा मिल सकता है, प्लस 1 ईयर का एडिशनल वीजा मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप यहीं पर, आपको एक साल मिल रहा है कि आप यहीं पर जॉब फाइंड कर लो, अगर आपको एक साल में जॉब मिल सकती है तो आप यहीं पर जॉब कर सकते हैं, फिर आपको वर्क वीजा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वापस लौटना पड़ेगा। तो लगभग देखा जाए हर साल 2012 के एस्टिमेशन के हिसाब से हर साल लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे फ्रांस में जाते हैं इंडिया से पढ़ने के लिए। अगर अपन फ्रांस का यूके से कंपेयर करें तो यूके में क्या है, इंडिया के हर साल 18,000 से 20,000 बच्चे एजुकेशन पाने जाते हैं। ये भी आंकड़ा कब का है, 2018 का है। अब इसका एक काफी बड़ा कारण है कि यूके में जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो काफी अंडरस्टैंडेबल है इंडियंस के द्वारा, बट फ्रांस में जो फ्रेंच बोली जाती है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा देखते हैं कल्चरल एक्सचेंजेस। कल्चरल एक्सचेंजेस में बात करें तो ऐसे कुछ एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करे जाते हैं इंडियंस के द्वारा फ्रांस में और फ्रांस के द्वारा इंडियंस में।
वही एक एग्जीबिशन देखा जाए जो कि इंडियंस के द्वारा फ्रांस में ऑर्गेनाइज करा गया था, ये है नमस्ते फ्रांस। ये जो एग्जीबिशन था ये लगभग एक साल तक चला था, इसमें इंडिया के जो कल्चरल मिनिस्टर थे वो भी इसमें गए थे, और जो उनके काउंटर अपोजिट में जो फ्रांस के कल्चरल मिनिस्टर थे इन्होंने काफी ज्यादा एमओयूज और ऐसे डील साइन करी थी जिससे ये एक दूसरे के कल्चर में मिक्स हो सके और ज्यादा एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट कर सके। इसके अलावा बात करें इंडिया में भी फ्रांस का एक ऐसा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ था जिसे बोलते हैं बॉन्जूर इंडिया। तो मुझे लगता है आपको इंडिया फ्रांस रिलेशंस का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।